मंगलाचरण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये साहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतुषा मंगलमये मंगले कर वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंता दिमहं करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पर इस भव तरु का मूल एक जानहु में त्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोटरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 214 व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा यहाँ पर चल रही है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में आचार्य कल पंडित टोटरमल जी ने हमारे लिए तीन प्रकार से व्यवहाराभासियों की चर्चा करेंगे। पहला कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, तीसरी चर्चा करेंगे सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। मतलब ये निश्चयभासी के प्रकरण के बाद व्यवहाराभासी में ये चार प्रकार के प्रकरण हमारे आने वाले हैं। मतलब घर में सफाई करते वक्त जितने भी कमरे रहते हैं तो एक एक कमरों में अच्छी तरीके से सफाई की जाती है दीपावली के समय कि कचरा ना रह जाए। इसलिए इस मोक्ष मार्ग के रास्ते पर यह सम्यक्ति पुरुष, यह तत्वज्ञानी पुरुष जब इस सम्यक्ति के रास्ते पर चलना प्रारंभ इसने किया है तो टोटरमल जी उसके लिए सर्व प्रकार से पवित्र करना चाहते हैं। एक रंच मात्र भी राग का, एक रंच मात्र भी गृहित मिथ्यात्व का उसके अंतरंग में ना रह जाए। क्यों? एक बट वृक्ष खड़ा करने के लिए एक छोटा सा बीज ही काफी है। इसलिए एक राग का अंश भी बेरी के समान है और बुरा है। ऐसी बात को टोटरमल जी कर हमारे लिए कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी की बात हुई थी। बाबा कुल अपेक्षा से धर्म धारक व्यवहाराभासी, टोटरमल जी ने इस 2 से 3 पैराग्राफ में ये बताया था कि अहो भाग्य हमारा कि हम जैन धर्म में पैदा हो गए। ऐसा महान पुण्य का उदय है कि हम जैन धर्म में पैदा हो गए, जैन कुल मिल गया, जैन वाणी मिल गई, तत्व आराधना करने का समय मिल गया और हमारे जिनालय में हमारे लिए साक्षात बैठी हुई जिन प्रतिमाएं मिल गई। अब मैं आपसे पूछूं, इसके लिए तो कोई हमने अपना पुरुषार्थ किया नहीं। क्या किया हमने पुरुषार्थ? जब हम पैदा हुए तो जैन कुल जैन नाम से ही पैदा हुए ना। हमने अपना नाम रखने में अपना ज्ञान उपयोग नहीं किया, हमने अपना जाति समझने में और अपना नाम के पीछे जैन जाति लगाने में कोई अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। ये तो सहज ही हम बड़े होते गए और ये सब कार्य होते गए कि नहीं होते गए। हमने क्या किया? जब हमने कुछ नहीं किया तो टोटरमल जी ये कह रहे हैं कि यह जीव जैसे एक जैन कुल में कुल अपेक्षा से पैदा हो जाता है तो उस कुल अपेक्षा से जैन धर्म के जो संस्कार होते हैं यह जीव उन संस्कारों को कुल अपेक्षा से मानने लगता है। जैसे हम जैन हैं तो मंदिर जाते हैं, कोई मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है तो मस्जिद जाता है, कोई क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ है तो चर्च जाता है, कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाता है। कोई थोड़ा सा अंतर दिख रहा है क्या इस कार्यक्रम में? सिमिलरिटी दिख रही है ना, हम मंदिर
वो मस्जिद, वो चर्च और वो देवी देवता, कोई हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो शिखर जी जाते हैं, और वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो मक्का मदीना जाते हैं, और वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अपने यरूशलम और जहां, और हिंदुओं में अयोध्या और बनारस और काशी विश्वनाथ चार धाम, वहां कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। मतलब उनसे पूछा जाए कि भैया तुम काशी क्यों जाते हो, तो वो हमसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि तुम शिखर जी क्यों जाते हो। अब आप क्या जवाब दोगे? तो हम ये जवाब दे देंगे कि देखो भैया, हमारे पिताजी यह जाते आए थे, हमारा जो तीर्थ शिखर जी है ये शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, अनादिकाल से ये तीर्थ क्षेत्र चला आ रहा है, और वहां से अनंत अनंत कोटि मुनिराज मोक्ष गए हुए हैं, और वो एक बहुत पवित्र भूमि है, और कितना प्रलय काल आ जाए शिखर जी का नाम शिखर जी और अयोध्या का नाम अयोध्या रहता है। इतनी बात बताने के लिए जिनवाणी तो पढ़ना जरूरी है। और अगर आपके पास ये जवाब नहीं है तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब दोगे, मेरे दादा जाते आए थे, मेरे पिताजी जाते आए थे, मैं भी जाता आऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मेरे बेटे भी जाना। क्या है कारण, क्या है, क्या होगा? अब इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन शिखर जी एक तीर्थ क्षेत्र है और हमारे बहुत सारे मंदिर वहां पर बने हुए। तो क्या जवाब दिया? फिर सामने वाले व्यक्ति को तो वो तीर्थ क्षेत्र ऐसा हो गया कि जैसे अन्य लोगों के मंदिर हैं, अन्य लोगों के क्षेत्र हैं, वैसे ही आपका आपकी समझ में क्षेत्र है। यह मिथ्या भ्रांति कहां से आई? बोले इससे आई क्योंकि हम जैन कुल में पैदा होकर उस जैन कुल की जिनवाणी के लिए पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और कुल अपेक्षा से ही हम जैन हैं, और यह कह के अपना कार्यक्रम चलाने लगे। अब क्या हुआ कार्यक्रम चलाने में? सुबह उठे, नहाया धोया, मंदिर गए, पूजा की, प्रवचन की, शास्त्र स्वाध्याय किया, धार्मिक कार्यक्रमों में मेल मिलाप कराया, क्षमा वाणी के दिन उत्तम क्षमा मांगी, 10 दिन में विद्वान मिला के प्रवचन सुने, अष्टमी चतुर्थी के दिन हरी छोड़ी, आलू प्याज जमीकंद का रात्रि भोज का त्याग कर दिया। देखो सब दादा कर दादी 16 करते आई थी तो मम्मी करने लगी, मम्मी करते आई थी तो फिर थोड़ी सी वृद्धावस्था हुई है तो बहुओं को भी हमने 16 करना सिखा दिया, क्योंकि परंपरा से चलते आ रहा है। ये क्या, आपने केवल क्रियाकलाप को ही जैन धर्म मान लिया। अब टोडरमल जी क्या कहते हैं कि देखो व्यवहाराभाषी, निश्चयाभाषी में तो मैं शुद्ध में द्रव्य में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये मिथ्या मान्यता बैठ गई थी। अब व्यवहाराभाषी में जब उसको समझाया, अरे तू तो मिथ्या तो गुणस्थान वाला संसारी है, तो बोले ठीक है, अशुभ में मेरी परिणति लगती नहीं, हम शुभ में अपनी परिणति लगाएंगे तो शुभ ही को हम धर्म मान लेंगे, बस यहां से व्यवहाराभाषी पना चालू। आई बात समझ में? वहां श्रद्धा का लुटेरा था, यहाँ की क्रिया में जाके लुट गया, यही हो गया ना। अब देखो ये बात, कल एक बात और टोटरमल जी ने कही कि देखो भैया, कुल अपेक्षा से जो जैन कुल में तुम अपने आप को जैन मानते हो, लौकिक के न्याय में भी इस कुल अपेक्षा से किसी को दोषी नहीं माना जाता। क्या कहा? अगर दादा चोर थे, पिताजी चोर थे, और पुत्र सज्जन पर सम्यक दृष्टि निकल गया, तो अगर बाजार में कोई चोरी हुई तो उसको कुल अपेक्षा से दंड नहीं दिया जाएगा। देखिए हमने परिपाटी नहीं चलाई, क्यों? क्यों आदमी समझ नहीं सकता कि अब देखो कितने हमारे तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष गए और उनके बेटे नरक चले गए। अब जो नरक चले गए तो हमने उन नरकों की अपेक्षा से अपनी कुल परंपरा थोड़े ना चलाई, हमने तो उनके पिताजी को देखा और वो तीर्थंकर बने, उस अपेक्षा से हम अपना जैन धर्म पीतर आगमय मान रहे हैं। या किसी के पिताजी नरक चले गए और बेटा संस्कारित हो गया, पीतरागतामय वाणी उसको मिली और वो मुक्त चला गया। आई बात? तो हमारा लास्ट में जिन धर्म तो वीतरागता के ऊपर खत्म होता है, और जो वीतरागता उस रास्ते में, उस वीतरागतामय रास्ते में जो चीज वीतरागतामय आएगी, हम उस वीतरागतामय वस्तु को जैन धर्म समझेंगे, और जहां वीतरागता नहीं होगी वह धर्म हमारे लिए स्वीकार नहीं। और चाहे हम जैन कुल में हों, चाहे हम अजैन कुल में हों, चाहे हम किसी भी कुल में पैदा हों, हमें वो स्वीकार नहीं। अब ढूंढो वीतरागता, ढूंढो। अब बताओ, अब जब पूरे समस्त धर्मों का परीक्षण करके इस जीव को जैन कुल में वीतरागता दिखी, अब यह जीव महान व्यवहारावासी उस जैन कुल में राग का पोषण करके अपने मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है। उसी चोट को टोडरमल जी यहां व्यवहारावासी प्रकरण के माध्यम से बता रहे हैं। लास्ट के पैराग्राफ में टोडरमल जी ने एक बात कही थी, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। आई बात? प्रकरण अभी प्रारंभ हुआ, शालिनी
दूसरे नंबर का पेज पढ़ रहे हैं और दूसरे नंबर के पेज पे तीसरे चौथे नंबर के पैराग्राफ में टोडरमल जी ने एक सिद्धांत वाक्य दे दिया, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। विचार कर मतलब यहां वो ये लिख सकते थे, गुरुओं के द्वारा उपदेश सुने हुए बातों का विचार कर, विद्वान पंडितों के द्वारा कहे हुए प्रवचनों का विचार कर, किसी के कहे अनुसार बुजुर्ग माता पिता दादा दादी रिश्ते नाते चार बुजुर्ग मिल गए उनके कहे अनुसार तत्व का विचार कर। नहीं, ये कुछ भी नहीं कहा। ये क्यों नहीं कहा कुछ भी? क्यों नहीं कहा कुछ भी? क्योंकि 108 मोतियों की माला में एकाध मोती खोटा भी तो हो सकता है। पंचेंद्रिय हमारे हैं, आपके हैं, पिताजी के थी, दादा की थी। दादा की वृद्ध अवस्था में मंदिर जाने की सामर्थ्य नहीं रखी, उन्होंने जिनवाणी की चार लाइन पढ़ के मैं शुद्ध में गया या कू मंदिर जाना है ये तो मैं पढ़ा दिया, तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया। ये भी तो हो सकता है। गुरुओं के माध्यम से धनोपार्जन के कारण अगर कोई इच्छा शक्ति हुई मंदिर मठादि बना के या तत्व का कुतत्व उपदेश दे के आपके आपसे उनका केवल धन का प्रयोजन अर्थ उन्होंने तत्व का कुतत्व आपके लिए बता दिया और आपने सुन लिया तो उसी को धर्म का मार्ग समझ लिया। गलती तो हो सकती है, नहीं हो सकती है। वह आज इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनते हैं, बाहर से हम मंदिरों को देखते हैं तो जैन मंदिर और अजैन का मंदिर हमें समझ में नहीं आता। जब हम अंदर प्रवेश करके देखते हैं, क्योंकि बनाने वाले तो वही कारीगर हैं, रॉ मटेरियल तो वही जयपुर से आ रहा है, संगमरमर पत्थर तो वही है, डिजाइन तो वही है। अब हम अभी अभी बड़े बाजार में बना है एक अपने चैत्याल जी से बाहर निकल के एक व्हाइट कलर का मंदिर है, तो उसको देख के ऐसा लगता है वो जैन मंदिर, और जब गौर से जरा एकदम वो करो तो दिखता है कि वो हिंदू मंदिर। अब 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 ये कहा, जब हमने गौर से देखा, अगर हम प्रवेश करके चले गए और वहां पर किसी ने हमें बिठा के दो कान में बातें भगवान के प्रति बता दी तो हमने उसी पर स्वीकार कर लिया, हमारा क्या? इसलिए टोडरमल जी ने एक सिद्धांत वाक्य बताया। अपन कहें कि टोडरमल जी की कसौटी के रूप में एक सिद्धांत वाक्य ये बताया कि यह जीव अगर जैन कुल में आया है, जैन पर्याय धारण की है, जैन श्रावक है, तो उसके जीवन में खाना पीना उठना बैठना जिन चैत्याल जैन धर्म अष्ट द्रव्य से पूजा और सबसे बड़ा उपकारी धर्म स्वाध्याय होना चाहिए। और क्योंकि स्वाध्याय से ही तत्व का विचार आएगा, अच्छे बुरे का निर्णय होगा, सही क्या है गलत क्या है इसकी यथार्थ श्रद्धान हो गया और हमारा मोक्ष मार्ग यथार्थ रूप से सच्चा सरेगा, क्योंकि हमारी जिनवाणी कभी हमसे धोखा नहीं देगी। व्यक्ति तो दे सकता है लेकिन जिनवाणी कभी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए तो टोडरमल जी ने ये कहा। आज इतना महान ग्रंथ टोडरमल जी ने लिखा तो, और टोडरमल जी ने पहले अधिकार में प्रस्तावना के बाद एक एक ग्रंथ का निरूपण किया था। हमने धवला पढ़ा, हमने महाधवला पढ़ी, हमने गोमट सार कर्म कांड पढ़े, जीव कांड, एक एक शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करके जब हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हुई तो हमें यह शास्त्र लिखने का भाव आया। और ये भी कहा बाबा, अगर कोई तत्व का कुतत्व हो जाए तो ज्ञानी पुरुष उसको सुधार सकते। और कल एक और उदाहरण दिया कि जैसे हीरे के मोती में अगर कोई खोटा हीरा आ जाए तो सज्जन व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति उस हीरे की खोटे हीरे की लाइन को चलने नहीं देगा। ऐसे अगर जिनवाणी में कोई गलत शब्द हो जाए तो विद्वान बुजुर्ग जो पढ़े लिखे हैं शास्त्र अध्ययन किया है वो इस परिपाटी को आगे चलने नहीं देंगे। हाँ सब लिखा हुआ है। तो अब कहते हैं कि देखो शास्त्रों का अर्थ विचार कर, ये है कसौटी। और कसौटी के पूर्वक क्या होगा? देखो पापा काल दोष से पता नहीं क्या क्या होता है। पता क्या होता है काल दोष से? काल दोष से प्रक्षाल होता है, परंपरा से आ रहा था लेकिन आज एक नए रूप में आ गया है वो प्रक्षाल। ये काल दोष का ही कारण है। पहले पहले जीवन में एक जीव का जैनी व्यक्ति का काम था मंदिर जाना। आज काल दोष से मंदिर जाने के लिए लालच दिया जाता है। पहले क्या था कि ये जीव मंदिर के कार्यों में उत्साह पूर्वक कार्य करता था। आज मंदिर के में उत्साह पूर्वक कार्य कराने के लिए काल दोष के कारण इस जीव को मान पत्र दिया जाता है, सम्मान पत्र दिया जाता है। काल दोष के कारण क्या होगा? काल दोष के पहले जैन आता था तो जैन कुल में भक्षा भक्ष का पूरा होके ये चीजें आती ही नहीं थी, घर में कभी बनते ही नहीं थे। मतलब आप अपनी दादी से पूछो, हमारी दादी से पूछो तो उन्होंने कभी जिभा पे रखा ही नहीं अभक्ष। क्यों? उनके घर में नहीं आता था, पढ़ाया नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं था,
हमारे वीतरागता माय धर्म की जैनों के द्वारा बताई हुई परंपरा को चला रहे थे। और चलाते समय जैसे आज हम मध्यमास मधु के त्याग को अवक्ष भक्षण रूप समझ के दूर से ही छीछी करने लगते हैं, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने भी अभक्ष को जमीगंध आदि पदार्थों को घर में लाने के लिए प्रवेश नहीं किया था। अब क्या है काल दोष से, अब काल दोष से भोजन नहीं करते तो देना पड़ता, तो ये क्या ये काल दोष हुआ है ना। तो टूटरमल जी कह रहे हैं कि देखो यदि काल दोष से हो जाए, गलती होगी, शिथिलता आएगी, प्रमादीपना खड़ा होगा तो क्या होगा। बोले देखो लौकिक कार्यों में तुम्हारा काल दोष हो और उससे संसार बढ़े तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अगर तुम्हारा मोक्ष मार्ग वादित हो रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से तुम कोषों दूर जा रहे हो, सच्चे यथार्थ श्रद्धान से तुम कोषों दूर जा रहे हो, तो जिन धर्म में भी पापी पुरुषों के द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिक तथा विषय कषाय आदि पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। कसौटी क्या बताई, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। क्यों क्यों, जब अर्थ विचारोगे ना तो सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, कुदेव कुगुरु कुधर्म कौन है, इसका विचार आएगा और सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा आएगी। आई बात, अब देखो देखो अब हमारे लिए क्या लग रहा है कि देखो ये कुरूतियां बाजार में फैल गई हैं, कुछ कुरूतियां हमारे बाजार में फैल गई हैं, मतलब बाजार कहें तो एक धर्म के मार्ग पर फैल गई हैं। कैसी, जो जो हम देखते थे अरे हमारे दादा के समय ऐसा नहीं होता था अब होने लगा, हमारे परदादा हमारे पिताजी के समय ऐसा नहीं होता था अब होने लगा है, ये हमने देखा, परिपाटी हमने देखी। अब हमने क्या किया, अब एक प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ कोई कहे परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, आई बात समझ में। अब ये शंकाकार यहाँ पर प्रश्न करके खड़ा हो रहा है कि तुम ये जो बात कह रहे हो कि अगर कोई परंपरा के कारण किसी ने इस जैन धर्म में वीतराग स्वभाव को ना रख के राग के पोषण वाली बात कह दी है और वो धर्म चल गया है, कब से, कल से नहीं, परसों से नहीं, 10 साल 20 साल से नहीं, 50 साल से भी नहीं, 100 साल से भी नहीं, 200-300 साल से, 400 साल ले लो, अरे 500 साल ले लो ना, 1000 साल ले लो, नया बोई पालो। अब क्या है देखो, अब ये क्या है, आप ले लो भगवान महावीर की परंपरा से वीतरागता माय रूपी धर्म चला, जिसको हम वीर निर्वाण संबद्ध बोलते हैं, आई बात समझ में, वो वीर निर्वाण संबद्ध बोलते हैं ना, तय तारीख लाते हैं 2025 ये उसकी परंपरा से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं हमारे महावीर भगवान ने अपनी इस दिगंबर परंपरा को निर्वाण प्राप्त करके ये बताया कि देखो भैया धर्म तो वीतरागता माय है, आदिनाथ प्रभु से लेके 23 तीर्थंकर एक परंपरा के कारण वीतरागता माय धर्म से ही भगवान बने हैं और यही बात 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने बताई, आई बात समझ में। अब क्या हुआ, अब उस वीतरागता माय धर्म में अपन ये कहें कि ये पुराना धर्म है, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, ओल्ड ये पुराना धर्म है और पुराना धर्म में हमारे लिए वीतरागता दिखाई दी, स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट वीतरागता दिखाई दी। अब उस वीतरागता के चलते चलते 100, 200, 200, 300, 300, 400 में कई मुनि महाराज भ्रष्ट हुए, भ्रष्टता पूर्वक काल दोष के कारण, अकाल पड़ने के कारण वस्त्र आदि ग्रहण किए गए, फिर वस्त्र आदि ग्रहण करके मूर्तियां मुकुट श्रृंगार आदि कार्य किए गए, श्वेतांबर बंध चला कि नहीं चला। अब देखो मुझे ये बताओ मम्मी, पहले वीतरागता माय धर्म से श्वेतांबर रूपी पंथ में राग का पोषण किया गया, किसी धर्मवादी विरोध की नहीं, पोषण किया गया। अब उसी मत के बीच में आज से ये बात हो गई कितने की, 2000 साल पहले की, 2000 साल पुराना है, मतलब भगवान महावीर के 500 वर्ष के बाद श्वेतांबर मत प्रारंभ हुआ, आई बात 2000 साल हो गए। अब 2000 वर्ष के बीच में और कितने भी वीतरागता माय धर्म पैदा हो गए। अब चलो ठीक है, एक बात मुसलमान धर्म लगभग ये मान के चलो कि मोहम्मद जो उनके पैगंबर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो लगभग 1600 वर्ष पूर्व। और जो ईसा मसीह है, ईसाई धर्म जो बोलते हैं अपन, ईसा पूर्व बोलते हैं ना, ये 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के द्वारा ये वर्ष प्रारंभ किया गया। और हमारा जैन धर्म का कौन सा है, निर्वाण संवत्सर, आई बात।
तो ये तीनों परंपराएं चली कि नहीं चली? पहला तो ओल्ड कौन सा हो गया, निर्वाण सम्मत। अब निर्वाण सम्मत के बीच में विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम सम्मत चला दिया गया, आई बात समझ में। ईसा मसीह के द्वारा ईसाई सम्मत चला दिया गया, तो ये परंपराएं चल गई बीचों बीच में। अब ये चलती आ रही है, अब अन्य समाज को छोड़ दो, इन जैन धर्म में भी कितनी परंपराएं चली, बीस पंथी हो गई, मंदिरवादी हो गए, स्थानकवासी हो गए, तारण तरण वाले हो गए, मुमुक्षु मंडल सोनगढ़ी हो गए, और कितने ले लो आप, कितनी परंपराएं चल गई, आई बात समझ में। अब सोचो कि पहले बीतराता और ये पूरी बीच में खिचड़ी पक गई, आई बात समझ में। और जब खिचड़ी पक के कुछ लोगों ने तत्व का विचार किया, शास्त्रों का ये अर्थ का विचार किया, और विचार करके जब उनको इधर पर विचार आया, और विचार आके बीतराक्तामय जैन धर्म है इसकी उन्होंने कल्पना की, और कल्पना करके जब उन्होंने पढ़ा तो उनको ये लगा कि अरे धर्म तो बीतराक्तामय ही है, यहां पर सच्चे देव शास्त्र गुरु बीतराग सर्वज्ञ और हितंकर होते हैं। अब उस जीव ने, बाबा इस व्यक्ति ने 200 साल के अंतरंग में खोजा कौन बीतराक्तामय था, कोई नहीं मिला। फिर 300-400 साल पहले गया, फिर उसमें बीतराक्ता देखी, कोई नहीं मिला। मतलब ये समझ लो कि क्या उसने बीस पंथी में खोजा, स्थानक भाषी में खोजा, मुंह पट्टी वालों में खोजा, श्वेतांबर मत में खोजा, और कौन कौन से जैनों में है इनमें ये सब खोजता गया वो व्यक्ति, कौन सा प्रेजेंट वाला, अभी वाला व्यक्ति खोज, और खोजते हुए 2250 वर्ष पूर्व भगवान महावीर के निर्वाण सम्मत तक पहुंचा। और जब उसने उस निर्वाण सम्मत को बीतराक्तामय धर्म रूप माना, तो उसने अपनी पूरी कल्पना उस 2500 वर्ष पूर्व से मिलाई। आई बात समझ में आई? तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अब वो यहां पर बीतराक्तामय धर्म चलाएगा, अपनाएगा, लोगों को उपदेश देगा, वो धर्म नया होगा कि वो धर्म ओल्ड इज गोल्ड होगा? बताओ। हाँ, नए आदमियों को तो नया लगेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो धर्म बीतराक्तामय धर्म वो कौन सा धर्म है? ओल्ड इज गोल्ड है, पुराना 2500 साल पारा वाला की नया है, पुराना है वो ही नया है ना है? अब क्या व्यक्ति इतने सब खिचड़ी में ये अपना धर्म चलाना चाह रहा है? क्या मैं शुद्धात्मा हूं, मैं द्रव्य स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अरे तुम परमात्मा हो, परमात्मा छुए हम नक्की कर, अरे तुम भगवान आत्मा हो, कहां तुम रंग राग संसार, ये तुम्हारा मनुष्य भाव है, संसार की क्रियाकलाप के नहीं, भक्त से भगवान बनने के लिए मनाए। जब ये बात बताई, बीतराक्तामय धर्म रूप बताई उस जीव को, जब अपनी उपेक्षा रूप अन्य जन्म में अन्य समाज में पैदा होते हुए दिखा और बीतराक्तामय धर्म दिखा, तो उसने अपना धर्म परिवर्तन करके बीतराग मार्ग पर चल गया। आई बात? अब वहां पर उस जीव को ये विचार नहीं आया कि हम कुल अपेक्षा से गलत काम कर रहे हैं, हम अपनी जाति की अपेक्षा से गलत काम कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों की अपेक्षा से गलत काम कर रहे हैं। बताओ आज के समय में कौन व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है? उसको तो सबसे बड़ा अधर्मी कहेंगे, तो ये लंछन तो लगाई जाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सब क्रियाकलाप होने पर भी वो केवल एक दिगंबरत बीतराग धर्म की परंपरा को चलाने वाला है। अब वहां पर चलाएगा तो कुछ व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं? परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, क्या कह रहे हैं? आई बात समझ में? देखो सबसे नीचे प्रश्न 214 नंबर पेज पर, यहां कोई कहे से लाइन रखो, यहां कोई कहे से लिखा है ना, परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। ये प्रश्न उठाना बा? अभी जो हमने कहानी पूरी बताई आपके लिए, इधर आइए अनुपम भाई। हाँ आई नहीं इधर आई। तो क्या है, ये परंपरा चलाई तो हम वहां पर गए कि नहीं गए? और चलाते हुए कहा परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, ये उसने प्रश्न उठाया। अब उसने उससे कहते हैं कि यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं। आई बात समझ में? अब देखो टोटरमल जी क्यों जवाब दे रहे हैं उसके लिए, इसलिए जवाब देना पड़ रहा है
वो कोई नवीन परंपरा नहीं चला रहा है, उसका कोई अपने घर का धर्म नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये लिखा तो ये कहा कि मैं इसमें अपने हित की बात नहीं कहूंगा, मैं इसमें जनहित की बात करके वीतरागता मैं धर्म कहूंगा, हमारे ये घर की बात नहीं है, है? ये वीतरागता के कहा गुरु अरहंत परमेष्टि के द्वारा कही हुई, जिनवरों के द्वारा गूथी हुई, है? गुरुओं के द्वारा सुनी हुई बात को ही हम जनवाणी के माध्यम से लिख रहे हैं। तो कह रहा है अब वो अपनी सफाई में एक शब्द कहता है, यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग नहीं है। आई बात समझ में? मैं अपनी बुद्धि से कोई भी मार्ग पकड़ाने वाला नहीं। आई बात समझ? क्यों अपनी बुद्धि से नई मार्ग पकड़ाने वाला नहीं? अब थोड़ी सी कल्पना करो कि जितने भी आज कुरीतियां, जितने भी आज कुधर्म, कितने भी आज धर्म के नाम पर कार्य हो रहे हैं, यह सभी कार्य वीतरागतामय बुद्धि से हो रहे हैं कि अपनी बुद्धि से हो रहे हैं? अपनी बुद्धि से हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? मुझे बताओ कौन से धर्म में क्षमावाणी के दिन हर्षोल्लास पूर्वक भक्त नृत्य ज्ञान करके धर्मशालाओं मंदिरों आदि में भोजन आदि के कार्य करा के हर्षोल्लास मनाएंगे, खुशी मनाएंगे? कौन से धर्म में लिखा है? अरे जैनों की बात कर रहा हूं मैं, जैनों की बात नहीं कर रहा हूं। कौन से धर्म में ये कहा है कि जिस व्यक्ति ने उपवास कर लिया हो, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया हो, उसके लिए रात्रि में फलाहारी और क्या बोलते फरारी और क्या बोलते हैं, हाँ ये सब लेना ग्रहण करना योग्य है? कौन से शास्त्र में लिखा है? व्रत संयम उपवास आदि में ये सब लिखा है कि दिन में रात्रि भोजन का त्याग करके आप दूध ग्रहण करो, आप मूंगफली ग्रहण करो, आप और क्या क्या चीजें होती, केले के चिप्स ग्रहण करो, ये लिखा है? ये लिखा है? मतलब मैं आपके लिए ऐसे सटीक आंसर बता रहा हूं कि ये देखो प्रश्न ध्यान से, यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग नहीं है। अब अपनी बुद्धि चलाई, क्या कहा? अपनी बुद्धि, आठे चौदस के दिन हरी नहीं खाना है, और एक दिन पहले अगर मिर्ची का अचार डला है तो अगले दिन खा लो, वो तो उस दिन डला ही नहीं हरी मिर्ची का, एक दिन का पहले का बना है, आज नहीं है, आज वो हरा नहीं है, वो तो कलर छोड़ दिया उसने, तो हरी नहीं हुई। ये किसने चलाई परंपरा? मुझे ये बताओ, आज स्वाध्याय की परंपरा चल रही है और हम स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय कराने के लिए लोगों को विधान आदि कार्य करा के भक्ति मंडल आदि जोर शोर से मृदंग आदि बजा के जो भी कार्य होते हैं, फिल्मी धुन पर भजन संगीत में प्रस्तुति करके महिलाओं को नृत्य कराकर पब्लिक को आकर्षित करके स्वाध्याय कराया जाता है, ये भी तो एक नवीन परंपरा चालू हो रही है। ये भी तो अंदर अन्य मंदिरों के श्रृंगार आदि के बहुत भव्य कार्यक्रम होने के बाद आप अगर अपने मंदिरों में भी वैसे ही कार्यक्रम करो जहां वीतरागता में बिल्कुल भी ना झलके, तो ये क्या है? अपनी परंपरा चला रहे हो। जिस धर्म में वीतरागता में स्वभाव के कारण जमीकंद का निषेध किया गया है, रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध किया गया है, उसी जैन परंपरा के श्रावक जैन कुल में पैदा होकर रात्रि में विवाह आदि कार्यक्रम कराएं और इस विवाह आदि कार्यक्रम में अभक्ष का पोषण करें, है ना? तो ये तो आप नवीन परंपरा चला रहे हो, ये पुरानी परंपरा तो है नहीं। पूर्व के समय में तो दिन में ही विवाह होते थे, रात्रि में तो नहीं होते थे, ये तो नवीन परंपरा है। होती पूर्व के समय में भावरों के समय जिनवाणी के समक्ष रख के विवाह के संस्कार पूर्वक सात फेरे लिए जाते थे देवशास्त्र गुरु के समक्ष होके, और आज के समय में सब भूल के मृदंग आदि कार्य करके और भक्ति फिल्मों आदि गाना भूल के और आप उनको नृत्य करा के प्रोग्राम करा रहे हो, तो ये तो कोई नवीन कार्यक्रम चालू हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और लगा लो, और लगा लो पैसे। पहले मंदिरों में लोग स्वेच्छा से दान देते थे, आज मंदिरों में पैसे इकट्ठे करने के लिए एक नया प्रोग्राम शांति धारा के रूप में लाया गया, एक नया प्रोग्राम किसी विद्वान पंडित या किसी मुनिराज के लिए अवगान प्रतिष्ठा करके उनके द्वारा जो पैसों का निमित्त बनता है वो एक हुआ गया। तो ये क्या है? एक नवीन परंपरा चालू हो रही है। ओके, अब याद रखना, देखो टोडरमल जी ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है।
और इस बात की पकड़, इस बात की कसौटी, इस बात का आकलन, इस बात का स्वरूप जब हमें समझ में आएगा, जब हम शास्त्रों का अर्थ विचारेंगे। आई बात समझ में? चलिए, गुरुओं के उपदेश को सुन के अगर इस वक्त का इस लाइन का विचार करोगे तो यथार्थ श्रद्धा में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा आपसे अर्थ का प्रयोजन है। अगर गुरुओं के या विद्वानों के उपदेश पूर्वक आप इस बात का निर्णय करके यथार्थता आओगे तो पापा जी हमसे आपका भोजन का प्रयोजन है। हर जगह कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष से किसी न किसी के प्रकार का प्रयोजन दिखाई देगा, और अगर जिनवाणी के समक्ष जाओगे तो इस जिनवाणी में केवल भगवान बनने का प्रयोजन दिखाई देगा और कोई नहीं। इसलिए टोडरमल जी ने कहा, शास्त्रों का अर्थ विचार कर क्या करो, अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। आई बात समझ में? शास्त्रों में जो परंपरा से अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप लिखा है, कहां पापा? वो जाओ सीधा 2250 वर्ष पूर्व, भगवान महावीर के काल तक, उधर जाना है, बीच में नहीं जाना है। अरे अगर बीच में गए होते तो आदिनाथ भगवान के बाद दूसरे नंबर के तीर्थंकर के बीच में भी अनंत काल निकल गए, उस समय भी कितनी धर्म की विराधना हुई और अन्य धर्म के लोग आए और इस जैन धर्म को दबाया गया, लेकिन दूसरे नंबर के तीर्थंकरों ने वो केवल आदिनाथ प्रभु के वितरागता धर्म को अपनाया, तभी तीर्थंकर बने। अब लगा लेना सभी 1, 2, 3, 4 और लगाते 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 24वें तीर्थंकर तक आ जाना। मुझे ये बताओ, कौन से तीर्थंकर ने बिना वितरागता मय धर्म के तीर्थंकर तो अपना लिया हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है। तो परंपरा तो वितरागता से ही चली आ रही है ना, तो जिनागम में वो वितरागता धर्म को ही सर्वोपरि कहा है, तो हमारे लिए इस बीच की तिगड़म में ना जाके सीधे भगवान महावीर के कहे हुए उपदेश की द्वादशांग वाणी तक जाना है। और जाओगे तो क्या होगा, शास्त्रों में जो परंपरा से अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप लिखा है उसकी प्रवृत्ति, अब देखो तभी तो समझ में आएगी, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो तो उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? अरे तुम साली मेरे से कह रही हो, तुम अपना नया धर्म चला रहे हो, तुम हमारे दादा शास्त्र नहीं पढ़ते थे, हमारे दादा के दादा नहीं पढ़ते थे, अष्ट द्रव्य से पूजा करते थे, अरे फल चढ़ाते थे, तुम कह रहे हो पुष्प फूल तोड़ के मत चढ़ाओ मंदिर में, लौंगे चढ़ाओ, ये तुम अपना नया धर्म अपना रहे हो। तुम हमारे दादा 6 घंटे तक होम करते थे, होम अग्नि में वो डालते थे, लकड़ियां डालते थे, और तुम हमसे मना कर रहे हो, कोई जीव हिंसा होती है? अरे पापी, पंचामृत अभिषेक करते थे, अरे पापी तुम कह रहे हो खाली 4 उंगल इतना सा जल लो कलशिया में और प्रक्षाल कर दो, हो गया काम, ये तुम नया धर्म चला रहे हो। यही तो कह रहे हैं ना व्यक्ति एक दूसरे से। आज मुमुक्षु मंडल के सर्व जीव, सर्व दिगंबर जैन समाज के सामने एक अलग ही दृष्टि से क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि इस 2000 वर्ष के बीच की परंपरा में अन्य गुरुओं के माध्यम से जो भी तत्व का कुतत्व बता के जो जिनागम की अशोभनीय परंपरा चला दी है, उस परंपरा को हमने इस जिनवाणी के माध्यम से पढ़कर ये जाना कि ये परंपरा सही नहीं है। वितरागता परंपरा तो आत्म स्वभाव के साधन द्वारा होती है और ये स्वाध्याय से मिलती है, इसलिए हमने ये परंपरा चलाई, तो ये कोई परंपरा नई नहीं है। अरे ये परंपरा भगवान महावीर की वाणी की परंपरा है। अब तुम बीच के बिचौलिए बनके बीच की परंपरा को ये कह रहे हो कि तुम अपना नया चला रहे हो, बस इसलिए हमें लोग बदनाम करते हैं। क्योंकि वो उस कड़ी को किससे देख रहे हैं? अपने पिताजी से, अपने दादा से, अपने मुनिराजों से, अपने गुरुओं से, अपने किसी और अन्य उनसे किससे नहीं मिला रहे हैं? भगवान महावीर की वाणी से नहीं मिला रहे हैं। आज मैंने महावीर जयंती के दिन उदाहरण दिया था कि महावीर जयंती के दिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसी के शादी प्रोग्राम की बारात निकल रही है कि भगवान महावीर का निर्वाण का जुलूस निकल रहा है। कहां से आई ये परंपरा? कहां नहीं चलाई गई ना। और अगर कोई इसका विरोध करके ये बोले कि अरे भैया ये तो भक्त से भगवान बनने की परंपरा है, क्या कर रहे हो, भगवान को निर्वाण हुआ था, आज तो निर्वाण, अब हमारा तत्व उपदेश मिट गया, हे प्रभु अब हमें कौन कल्याण की बातें बताएगा, हम चलाएंगे ऐसी परंपरा कि आज भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ है, हे प्रभु जब तक ना मैं भगवान बन जाऊं तब तक 2 घंटे स्वाध्याय करूंगा, ये है परंपरा चलाना।
अरे अपने अंतरंग में निस्वभाव को जैसे हमारे भगवान महावीर ने साधा है, जैसे हमारे भावलिंगी निगंबर मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में अपने निस्वभाव को चाहते हैं, जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती 6 महीने 8 समय में अपने 6 महीने के अंतरंग निज भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं, ऐसे इस निर्विकल्प परिणाम को हम भी अपने नित प्रति समय ध्यानेंगे। ये है परंपरा। लेकिन इस परंपरा को भूल के भोजनादिक बनवाना, श्रृंगारादिक नाना प्रकार के वस्त्र पहन के फूहड़ता पूर्वक सड़कों पर डांस करना, डीजे म्यूजिक चलाना, फिल्मी दिनों पर गाने बजाना और उसको कोई मना करे, यार ये पापी है और ये अधर्मी है, ये धर्म के विरोधी है, ये धर्म के विरुद्ध जाते हैं, यही बोला जाता है। अरे दो कहा दो शास्त्रों में जो परंपरा से अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप लिखा है, ऐसा लिखा है कि एक एक तीर्थंकरों ने यही कार्य करके तीर्थंकर बने हैं, ये बताया है। अगर आदिनाथ के बाद दूसरे तीर्थंकर ना होते तो इस जैन धर्म का लोप हो गया होता, और लोप होने के पूर्वक आज हम जैन कहलाने के लायक नहीं होते। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे नंबर के तीर्थंकर ने कार्य किया, और उस परंपरा को बढ़ाने के लिए हमारे 24 तीर्थंकर हुए। अब चिंता नहीं करो, अगले भाव में पहले तीर्थंकर भी होने वाले। परंपरा तो वीतरागता मैं धर्म की चलेगी, संसार मार्ग की नहीं चलेगी। यही है अनादि निधन धर्म। कहा शास्त्रों में जो परंपरा से अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप लिखा है उसकी प्रवृत्ति मिटाकर कौन लोग मिटाएंगे? बोले वो लोग मिटाएंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़ लिया, उसकी पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो तो उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, ये ज्ञान हुआ। तथा उसे छोड़कर अब विषयों में ना ही रुलेंगे, कहां से आया निर्णय? स्वाध्याय करके जिनवाणी से तब अब देखते हैं। उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा जैन धर्म का स्वरूप लिखा था, देखो पापा एक बात कह दी है, पुरातन, पुरातन मतलब पहले, आज से 2000 वर्ष पूर्व कुंदकुंदाचार्य के द्वारा लिखे गए पंच परमागम, योगेंदु देव के द्वारा लिखा गया योगशार, अमृत चंद्राचार्य के द्वारा लिखी गई आत्मख्याति टीका, कितने समंत्र भद्राचार्य के द्वारा लिखा गया रत्न ग्रंथ श्रावकाचार, ये पूर्व ग्रंथ, आज के ग्रंथ नहीं। आज के ग्रंथ पढ़ने के लिए हम आपको लिए मना नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कसौटी पूर्वक आपके पास यंत्र है कि आपने पुराने वीतरागतामय धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया है तो नए ग्रंथ भी पढ़ोगे तो वीतरागता को ही देखोगे, और अगर वीतरागता नहीं है तो धर्म नए ग्रंथ भी आपको वीतरागतामय नहीं लगेंगे। तो ये तो कसौटी है। तो कहा पुरातन जैन शास्त्रों में जैसे धर्म का स्वरूप लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? टोटरमल जी ने जवाब दिया उस व्यक्ति के लिए, क्या कहा? यहां तक आ गए और यहां तक जिनवाणी पढ़ने के बाद हमें पता चला कि अरे हमारा जैन धर्म तो इधर तक था, अब हमने इस धर्म को ये लोप करके इधर से फिर से चलाना चालू किया। तो हे भव्य पुरुषो, ये धर्म कोई नया नहीं है, ये धर्म तो पुराना है। अब तुम क्या मान रहे हो कि पुराना ये है? बोले दादा ये पुराना नहीं है, ये कुधर्मियों के द्वारा किसी ना किसी रूप से चलाया गया था, अब हमारे लिए यथार्थ स्वरूप वीतरागतामय धर्म दिखा, अब हमने वो उधर से लेके इधर चलाया। बताओ थाली में रखे हुए गेहूं को गलत गेहूं निकाल के अच्छे अच्छे गेहूं ग्रहण कर लिए, इतना तो ज्ञान छह उपसभा में दिया है। सब्जी तरकारी भी शोध बीन के लेते हैं, जीव की हत्या ना हो जाए काट पीट के अलग करते हैं, भिंडी आदि पदार्थ एक एक कर शोध कर लेते हैं, इतना तो छह उपसभा हमारे लिए है। तो कहते हैं कि देखो जिन शास्त्रों में रागी पोषण, जिस धर्म में रागी का राग का पोषण किया हो गया हो वो धर्म हमारा धर्म नहीं है। वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? देखो अगला, यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है, अब देखो बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं टोटरमल जी, अनुपम ध्यान रखना, यदि कुल में जैसी जिन देव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है,
तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है। देखो अब टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही, अब थोड़ा सा ये जीव पथभ्रष्ट हो गया था ना और हमें ऐसे देख रहा था, अच्छा ऐसी बात कर रहे हो। अब टोडरमल जी थोड़े उसकी सहानुभूति पूर्वक बात करते हैं कि देख भाई, तेरे घर में दादाओं के से दादा के समय से आलू प्याज जमींद घर में नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, और अभी भी नहीं आते, और एक गुड़ बहुत अच्छी बात। तेरे समय में दादा परदादाओं के समय जैन मंदिरों में लोग जाते थे और तुम भी जाते थे, द पिताजी भी जाते थे, और ये परंपरा चली आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपके दादाओं के समय में, दादा तक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक नाती पोतों की पीढ़ी को दादा बस दिखाई देते हैं, परदादा भी दिखाई नहीं देते। तो जीव अपने को आराध्य कौन मानता है? पिताजी, और पिताजी के पिताजी। तो इसलिए मैं दादा कह रहा हूं। अच्छा, दादा के द्वारा सोला किया जाता था और सोला द्वारा शुद्ध सात्विक पूर्व भोजन बना के ग्रहण किया जाता था। माताएं बहनें शुद्धता से बनाती थी, वही आपकी मम्मी बनाती हैं, और अब आप, हाँ अच्छी बात है, यही हो रहा है। आप जैनों और जैन कुल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नित प्रति समय 3 घंटे मंदिर में व्यतीत करके अष्ट द्रव्य पूजा भाव स्वाध्याय करके कार्य करते हो, और ये परंपरा तुम्हारे घर में अभी तक चली आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अरे तुम्हारे दादा पहले 1 घंटे स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय में जो बात आई उसका 1/2 घंटे निर्णय करते थे, और यही बात तुम्हारे पिताजी साथ में बैठ के कर रहे हैं और अपने नाती पोतों को बिठा के करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इस परंपरा का खंडन नहीं कर रहे हैं, अरे यही तो जैन परंपरा है। आज इस जैन व्यक्ति को एक समाज के अंदर एक भव्य रूप में देखा जाता है, एक शुद्ध रूप में देखा जाता है, एक कल्याणकारी प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अनेकों अनेक व्यापारी दिल्ली बंबई कलकत्ता अमेरिका लंदन में हो और जैन शब्द जुड़ा है तो लाखों का माल उधार दे दिया जाता है। ये पहुंच किसने बनाई, ये इज्जत किसने बनाई? ये इज्जत हमारे दादाओं के द्वारा दी हुई संस्कारों की परिपाटी पूर्वक बनाई गई, और जिन्होंने नहीं बनाई, अन्य समाज के लोग देख लो, कोई 1 रुपए का उधार दे दे तो आज कहीं नौकरी करने जाओ, जैन, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा आज कहीं किसी लेन देन के हिसाब में जाओ, जैन, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाओ, ईमानदार होगा। आज खाने पीने रेस्टोरेंट से लेके आप बोल दो कि जैन फूड, हाँ विशेष भैया पूरा अलग करो, जमींद आदि जैन फूड उसको लेके आओ, अरे यहाँ तक तो होटलों आदि में तो ठीक है, एरोप्लेनों में तो जैन फूड मिलने लगा है, हवाई जहाजों में जैन हवा के ऊपर, क्यों किसने बनाई ये परिपाटी? ये संस्कार हुए। अब सोचो अगर हम इस परिपाटी को बदल लें तो हम जैसा अभागा तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये चलते आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है, बाबा कैसी जिनदेव की आज्ञा? बीतरागता मैं धर्म पाली भी जिनदेव की आज्ञा, भक्ष अभक्ष का ज्ञान करके भक्ष को ग्रहण करना, अभक्ष का त्याग करना, ऐसी जिन परंपरा। सूर्योदय होते ही स्नान करते जिनेन्द्र देव के दर्शन अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजा करना, ये जिन देव की आज्ञा। परिषण परवादी राज पर्वों पर व्रत संयम उपवास पूर्वक अपने 10 धर्म निकालना, ये जिन आज्ञा। अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग करके जिन आराधना में अपना मन लगाना, ये जिनागम की आज्ञा। मैं भगवान हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक निर्णय करना, ये जिन आज्ञा। और अगर ये जिन आज्ञा तेरे घर में, परिवार में, समाज में, दोस्तों यारों में चल रही है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं। देखो, यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है, तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है। तो टोडरमल जी ने कहा, बाबा हैं, परंतु अब क्या हो गया, उसे कुलाचार नहीं जानता, उसे धर्म जानकर, क्या कहा, उसे धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। अब देखो क्या कहा, अब तुमने वही कार्य कर रहे हो जो तुम्हारे दादा परदादा करते आए थे। आई बात, अब तुम आलू क्यों नहीं खा रहे हो? बोले हमारे दादा नहीं खाते थे। अरे प्रभु, कुल अपेक्षा से आलू मत छोड़ो, तुम पहले आलू में जीव होते हैं इसका निर्णय करके पता करो, इसको समझो। अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्यों हरि नहीं खाई जाती है? कुल अपेक्षा से इस धर्म को मत अपनाओ, पहले उस बात का साइंटिफिक तरीके से निर्णय करो, पढ़ो, समझो और फिर उसको अंगीकार करो। पहले सोला क्यों किया जाता था? वस्त्र चेंज करके शुद्ध वस्त्र आदि पहन के भोजन आदि क्यों बनाया जाता था? इसको
कुल अपेक्षा से ग्रहण मत करो, उसको एक धर्म मार्ग पर उसकी अपेक्षाएं देखकर उसको अंगीकार करो। आज हम प्रक्षाल आदि कार्य करते हैं, तो प्रक्षाल का कार्य क्यों परंपरा से स्टार्ट हुआ, तो दादा करते आए थे इसलिए प्रक्षाल नहीं करो। प्रक्षाल करने से कैसे परिणाम होते हैं, इस परिणाम का विचार करके प्रक्षाल करो। आई बात समझ में? तो कहते हैं टोटरमल जी के, देखो उसे कुलाचार नहीं जानना। अगर तुमने कुलाचार, कुल आचार मतलब दादा परदादा की अपेक्षा से उस धर्म को अपनाया और अपने आप को धर्मी समझ रहे हो, तो तुम भी मिथ्यात्व वाले हो और तुम भी अधर्मी हो। क्यों 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 अधर्मी हो? सोचो अगर कुल में कोई परिपाटी बदल गई और तुमने कुलाचार से धर्म माना है और शास्त्र तुमने पढ़ा नहीं, और सोचो अगर पिताजी हमारे किसी वैष्णो धर्म को मानने लगे तो हम तो पापा के हाथ उंगली पाड़ के तुरंत वहीं चले जाएंगे। भाई हमें भटकाने वाले तो बहुत हैं। कुलाचार में एक पिताजी के चार पुत्र हैं, चार पुत्र की चारों बहुएं अलग अलग समाज से आई और अलग अलग समाज से अलग अलग धर्म चालू हो गया, कुल अपेक्षा से परिपाटी खत्म हो गई, तो मैं तो बीच में हवा में लटक गया, मैं तो भ्रष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को पढ़ा नहीं, धर्म को समझा नहीं, धर्म को सीखा नहीं। कहां बीत रखता मैं धर्म से इसकी परिपाटी चली आई है, उस परिपाटी को उससे जोड़ा नहीं, तो हम तो अधर्म में लटक गए। और आज ऐसे ही पूरा का पूरा समाज कुल अपेक्षा से अपने आप को जैनी मानकर धर्म में अधर्म में लटका हुआ है। लटकाएगी नहीं लड़का? तो कहते हैं कि देखो भैया उसे कुलाचार नहीं जानना, कुलाचार जान के धर्म नहीं करना है, उसे धर्म जानकर, उसे कुलाचार नहीं जानना, उसे धर्म जानकर उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके। क्या कहा बै? पापा गेहूं भी खरीदने जाते हैं तो शोध कर लेते हैं, दूध भी लेने जाते हैं तो गौड़ा है उठ के देखते हैं, अरे अरे क्या कहते हैं उसको, चावल का एक दाना हड्डी पक हांडी पक गई कि नहीं तो एक दाना उठा के चीख कर देखते हैं, मसल के देखते हैं, संसार के सारे प्रयोजन अपने यथार्थ रूप है कि नहीं निर्णय और परीक्षा करके ग्रहण करते हैं। और धर्म, धर्म तुमने अपनी बाप की बपोती समझ रखा है कि जो पिताजी ने दिया सो ले लिया, और जैसे पिताजी करेंगे जैसे दादा करते आए थे वैसे ही हम करेंगे, तूने अपना निर्णय नहीं किया। अरे सुनो तू पंचेंद्रिय का के पोषण वाल करने वाला व्यक्ति है और तेरे पिताजी भी पंचेंद्रियों के पोषण करने वाले व्यक्ति थे, तेरे दादा भी पंचेंद्रियों से युक्त थे, अगर उनके द्वारा कोई कुरूति चल गई और तुम धर्म से भ्रष्ट हो गए तो तुम्हें तो धर्म का सच्चा स्वरूप पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि तुमने इस जैन धर्म को कुल अपेक्षा से माना है, धर्म की अपेक्षा से नहीं माना। किया ही नहीं, आंखें खुली थी तो मंदिर देखा था, कुल अपेक्षा से आए थे। अगर भाई धर्म तो वो है आंखें खुली हो और हमारे सामने बीतरागता मैं प्रतिमा ना हो और रागी दोषी प्रतिमा हो और निर्णय करने के बाद पता चले कि अरे भगवान तो बीतरागता मैं स्वभाव को कहते हैं, और जब आंखें बंद हो तो बीतरागी सच्ची देव शास्त्र गुरु के सामने हो, वो है धर्म। क्या कहा? वो है धर्म। वो धर्म नहीं है जो कुल अपेक्षा से मिल गया। क्या कहा? कुलाचार नहीं जानता, उसे धर्म जानकर उसके स्वरूप का निर्णय करो, फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना, अंगीकार करना। आई बस, यदि सच्चे धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। अब बताओ टोटरमल जी ने क्या कह दिया? अच्छा, जिन धर्म पे हम मंदिर जा रहे थे तब भी हम धर्मात्मा नहीं, हम अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे थे तब भी धर्मात्मा नहीं, स्वाध्याय कर रहे थे पर भी तब भी धर्मात्मा नहीं। अरे हमने क्या कमी रखी अपने दादाओं के संस्कार लेने में, हमने क्या कमी रखी अपने पिताजी के संस्कार लेने में, कोई कमी रखी ना? नित्य प्रति समय एक एक समय तो याद रखा हमने, जो वो आहार देते थे तो हम भी तो दे रहे हैं, वो वैया वृत्ति करते थे तो हम भी तो कर रहे हैं, हमने क्या कमी रखी? तुम हमें धर्मात्मा क्यों नहीं कहते हो? क्या कमी है हमें, बताइए आप। टोटरमल जी कह रहे हैं कि अगर तुमने धर्म के स्वरूप को और फलादि को निश्चय करके धर्म ग्रहण किया है तो तुम शुद्ध धर्मात्मा हो, और अगर तुमने मात्र कुल अपेक्षा से धर्म इकट्ठा किया है कि दादा परदादा करते आए थे तो मैं कर रहा हूं, तो टोटरमल जी कहते हैं सच्चे धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते।
निर्णय नहीं थामा नहीं बिठा नहीं, क्योंकि कुल के सर्व जन उस आचरण को छोड़ दें, क्या कहा, अगर कुल के सर्व जन उस आचरण को छोड़ दें, देखो बहुत गंभीर बात है पापा, मतलब ऐसे हम कुल अपेक्षा से धर्म को ग्रहण करके ऐसे ही दीवार पर खड़े हुए हैं, 9 इंच की नहीं 4 इंच की, 9 इंच की तो बहुत बड़ी होती है, संभलने का मौका मिल जाता है, 4 इंच की दीवार पर संभलने का मौका नहीं मिलता, 4 इंच की दीवार पर खड़े हुए हैं कि अगर कुल अपेक्षा से चलाए हुए धर्म को अगर कोई एक अन्य समाजी व्यक्ति उस ग्रह में प्रवेश कर जाए, उस घर में प्रवेश करके वो अपनी क्रोध पूर्वक, मान पूर्वक, लालच पूर्वक, या बहला फुसला कर, या मीठी मीठी बात कर कर एक अन्य धर्म का चला दे, तो उस घर के 10 सदस्य भ्रष्ट होने के बिना नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आप 4 इंच की दीवार पर खड़े, क्यों, आपने धर्म को समझा नहीं, आपने वीतरागतामय स्वरूप को समझा नहीं, आपने जैन धर्म है क्या इसको जाना नहीं, केवल कुल अपेक्षा से करते आए, अब एक ये नया काम कर रही है, पहले तो हम करते अरे वो 16 पहनती थी अब नहीं पहन रही है, चलो ठीक है, अरे वो पहले सोच पीट के आटा वाटा चक्की मर्यादा से भोजन करती थी, बहुत टाइम होता था, रूखा सूखा खाना पड़ता था, अब नाना प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, हाँ चलो यही धर्म ठीक है, कौन प्रत्येक व्यक्ति अपने पंचेंद्रियों के आशक्ति के प्रति सतल होना चाहता है, क्यों, क्योंकि शरीर मिला है ना तो सतल होता है, और उस होने के पूर्व अगर कोई प्रवृत्ति नहीं चला दे और उसका नाम धर्म का बोल दे, तो आप भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहोगे। तो हम तो ऐसी 4 इंच की दीवार पर खड़े हैं जहां पर हम अपने धर्म को निर्णय करके श्रद्धा पूर्वक अंगीकार नहीं कर रहे हैं, और बस हमने कुछ उदाहरण दृष्टांतों के माध्यम से 4 बातें की, आपने वाई वाई की और आपने कहा हाँ जैसा अभिषेक शास्त्री ने कहा यही धर्म है, हमारे अलावा कोई और विद्वान आया, उसने अपनी मान इंद्रिय पुष्टि के कारण कोई नई बात की और आपने तालियां बजाई और आपने कहा हाँ यही धर्म है, और कोई गुरु महाराज आए, उन्होंने अपने इंद्रियों के पोषण के प्रति कोई बात की, आपने कहा हाँ यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं, आपने परीक्षा करके निर्णय श्रद्धान पूर्वक धर्म को अंगीकार नहीं किया। आई बात समझ में? मतलब आप ऐसे हो कि लौकिक हीरे को तो आप तिजोड़ियों में रखते हो और आप अपने ज्ञान छयोपशम और जैन धर्म जैन कुल के हीरो को सड़कों पर ऐसा फेंक देते हो कि उठा लो जिसको उठाना है, जो उठाएगा हम उसके हो जाएंगे। कहते हैं देखो, यदि कुल के सर्वजन पापा हो जाए, काल दोष है, कुछ ना कुछ हो सकता है, परिपाटी चल सकती है, काल दोष हो गया, 400 साल तक मुसलमानी धर्म हमारे भारत देश पर रहा, जैन मंदिर नष्ट किए गए, जैन प्रतिमाओं को जमीन के अंदर दफना दिया गया, लोगों ने उसके ऊपर जैनवाणी रख ली, जैनवाणी पूर्वक अपने आप को पगड़ी सापा पहनने लगे, डांडियां रखने लगे, लोगों को बताने लगे कि हम ऊपर से दूसरे कास्ट के दिख रहे हैं लेकिन अंदर से जैन हैं, और परिपाटी चल गई नाना प्रकार की, किसी भी प्रकार की, क्यों नहीं हो सकता, 400 वर्ष मुसलमानी शासन इस भारतवर्ष में रहा, और वो ऐसा धर्म जो जैन धर्म तो किसी से ये नहीं कहता तुम जैन बन जाओ, और अन्य धर्म तो ऐसे कहता है कि तुम मर पच के भी इस धर्म को अंगीकार करो, चूल्हे नहीं जलना चाहिए शुक्रवार के दिन, घरों से धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्या कहा, आज हमारा दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने जो जैन मंदिर बना हुआ है, वह जैन मंदिर पता किसका था पापा, अकबर के समय पर और उनका जो औरंगजेब के समय पर उनका एक सिपाही था और सिपाही जैन था और वो औरंगजेब पूरे भारतवर्ष में तहलका मचाए हुए था कि एक एक जैन मंदिर, एक एक जैनों के मंदिर सब नष्ट कर दो, आपने देखे ग्वालियर वगैरह में प्रतिमाएं टूटी हुई, देवगढ़ वगैरह में देखी हुई, ऐसा भ्रष्टतम जीवन चल रहा था, जैनों को ऐसे मिटाया जा रहा था, मार मार के उनके लिए बनाया जा रहा था, ऐसे में वो जैन व्यक्ति जो उसके सेना में एक अच्छी पद पर था औरंगजेब के, तो उसने अपने घर में एक छोटा सा चैत्यालय बना रखा था, कहीं मूर्ति मिली होगी, प्रतिमा मिली होगी, या वहीं से मिली होगी, या आपको भी तो ऑर्डर दिया जा सकता है कि जाओ उस मंदिर को तोड़ के आओ, भली आप जैन हो, क्यों, अंग्रेजों ने भारतवर्ष की पब्लिक को अपनी सेना में लड़ा के हिंदुओं को तो मरवाते थे, तो अंग्रेज भी अपने अंदर अपनी सेना में जैनों को एकत्रित करके उनसे भी तो जैन मूर्तियां तोड़वा सकते हैं, अब श्रद्धा पूर्वक अपनी जैन प्रतिमा के प्रति राग आके उसने अपने घर में
लाल किले के सामने बिल्कुल कोंटे पर उसका घर था, वहां पर उसने मंदिर बनाया। और बिल्कुल राजा को पता चल गया, लोगों को बता दिया गया, वहां पर पर्युषण परवादी में भक्ति वगैरह करते हैं, सुबह भक्ति वगैरह करते हैं, तो वो भक्ति करता था। राजा को पता चला कि ये भक्ति कौन कर रहा है, उसको पता चला कि आपके उसमें सेना में एक जैन व्यक्ति है और उस जैन व्यक्ति ने घर में मंदिर बना के रखा हुआ। उसको ऑर्डर दिया गया कि भैया ये जैन है, मूर्ति तोड़ दो, मृदंग बजाना बंद कर दो, किसी भी प्रकार का शोर ना आ जाए। अब अभी तुम्हारी सेना में अगर उसको फांसी की सजा सुनाएंगे तो सारे विरोधी हो जाएंगे। क्यों क्यों, कितने थे मुसलमान, कितने थे, इतने थे, बाकी तो सभी अन्य समाज के थे। तो उसने इस डर से ये कहा तुम्हें मानना है मानो, लेकिन तुम किसी भी प्रकार का मृदंग ढोलक आदि बजा के पूजा नहीं कर सकते। और जब उस समय आई घड़ी, आया सुबह का वक्त आया और वो मृदंग ढोलक आदि स्वयं ही बजने लगे। हाँ, अब जब राजा को पता चला कि बुलाओ उसको, हम देखने जाएंगे, वो रोका क्यों नहीं, वो गए राजा, औरंगजेब गया वो मंदिर देखने के लिए। और वहां उसने चमत्कार देखा कि सारे के सारे मृदंग ढोलक स्वयं ही बज रहे हैं। तब उसने ये कहा जिसके ऊपर गुरुओं का, जिसके ऊपर देवादिक की शक्ति विद्यमान हो वहां मैं असमर्थ हूं, मैं शक्ति जैसा होना हो वैसा करो, मैं यहां कुछ करने वाला नहीं हूं। और आज देखो लाल किले के सामने लाल मंदिर खड़ा हुआ है जैनों का, बिल्कुल हाँ, मतलब ये क्या है, देखो क्या है? यदि कुल के सर्वजन उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देंगे। अगर डरा के, धमका के, समझा के, बुझा के, समाज के कारण, राजनीति के कारण, लोगों के कारण, मित्र के कारण, बहू के कारण, किसी के कारण अगर कोई नए रास्ते पर चल जाए तो तुम इतने 200-400 साल परंपरा को मिटाने में एक क्षण भी मत लगाओगे। कहां बीत रखता मैं दिगंबर स्वरूप और कहां श्वेतांबर मैं रूप रागी द्वेषी रूप प्रतिमाएं है? जब जीवों ने उस समय नहीं सोचा, उस समय नहीं सोचा, तो आज तो काल के दोष से ज्ञान और छीण हो गया। आज तो आदमी दो वक्त की कमाने में इतना उलझा है कि धर्म को एक साइड बिजनेस समझता है, साइड कार्य समझता है। वहां तो पथ भ्रष्ट होने में आपको मिनट भी नहीं लगेंगे। क्या कहा है? मिनट, सिरदर्द हो रहा है, चल लगा लो गंदूदक, लगा लो मिट जाएगा। अच्छा मिट जाता है, चलो ठीक है, हमारा क्या है, गंदूदक तो फ्री में मिलता है, लगा लिया। और सोचो उपादानगत योग्यता में मिटने का था और आपने अपना धर्म समझ लिया कि गंदूदक पीठ नाक कान गले में लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। लो कितना समय लगा भ्रष्ट होने में, कितना समय लगा, पढ़ाना पड़ा, रटाना पड़ा, समझाना पड़ा, अरे नहीं सिर्फ बोलना पड़ा। और ऐसे कितने बोलने वाले हैं और तुम कहां खड़े हो कि तुम अपना धर्म भ्रष्ट करने में एक मिनट भी नहीं लगाओगे। तो कहते हैं कि यदि कुल से सर्वजन उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी भ्रष्ट, आप भी छोड़ देगा। इसका कारण यह है कि वह जो आचरण करता है वह कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। हमें अपना निर्णय करना पड़ेगा और अपना स्वभाव बीतरागतामय स्वभाव से भगवान महावीर की वाणी से मिलाना पड़ेगा। और वो वाणी जब मैच होगी तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे, और अगर वो वाणी मैच नहीं हो रही है तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। फिर करते रहो तुम्हें जो संसार के कार्य, व्रत संयम उपवास आदि पूजा विधान पंच कल्याण आदि कार्य कराना है सो करते रहो, धर्मात्मा नाम नहीं पाओ। दर्द ठीक हो जाए तो आदो ना हम लगवा। हाँ, तो अब देखो, अब टोटरमल जी एक बात और कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, देखो एक मिनट में खत्म करते हैं। देखो देखो, इसलिए विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना। क्या कहा? अरे शादी विवाह में अगर तुम घोड़े नगाड़े वृत्ति के साथ जा रहे हो और उधर तुम जिनवाणी का उपदेश देने लगो, अरे स्त्री पर्याय हे है, दिगंबरत्व धर्म स्वीकार करो, मुनि बनो, ये करो, तो तुम्हारे लिए भगा दिए जाओगे। तो कहते हैं टोटरमल जी के विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंपरा का विचार करना, दादा परदादाओं के द्वारा कही हुई बात को मानना, समझना इस बात के लिए। परंतु जब धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना, क्यों क्यों टोटर, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना, क्यों? क्योंकि कुल में कई कुरीतियां हो सकती हैं, कई राग पोषण का कार्य हो सकता है।
जैसा धर्म का मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। आई बात। अब अगर अपन कुल अपेक्षा से माने तो हमारे दादा 48 दिए भरते थे दीपावली के दिन, तो हाँ हमारा अगर कुल अपेक्षा से माने तो डबल करना तो योग्य है, है? और आज क्या है, हमने कुल अपेक्षा से अपने धर्म को नहीं माना और हम महावीर जयंती के दिन भगवान की आराधना करके भक्ति पूजा मंगलाष्टक पकड़ के एक भी दिया नहीं जला के धर्म आराधना करते हैं, है? क्यों, परंपरा बदली ना, हमने अपनी परंपरा को उन 48 दीपों को से ना बना के अपने इस कार्य को वीतरागतमय स्वभाव भगवान की महावीर से जोड़ा, और जब हमें समझ में आया कि अरे भाई यही वीतरागतमय स्वरूप ही हमारा धर्म है, ये जो बीच में कुरीतियां चल गई थी ये धर्म नहीं था। इसलिए संसार का कार्य तो परिवार के द्वारा चली आ रही परंपरा से जोड़ना, लेकिन धर्म का मार्ग कभी परिवार की परंपरा से नहीं जोड़ना, शास्त्रों के द्वारा कहे हुए अर्थ को विचार कर उसकी परंपरा से जोड़ना, है ना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। आई बात। अब कहते हैं परीक्षा रहित अज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब क्या हो गया है, बोले हम भ्रष्ट क्यों हुए, हमने ये धर्म क्यों चलाया। टोडरमल जी कहते हैं पता, जब कुरीतियां फैल रही थी ना तो तूने परीक्षा नहीं की, और परीक्षा करने के लिए आंसर शीट तो पीछे होना चाहिए, आंसर शीट होगे तभी तो मैच कराओगे, परीक्षा करने के लिए जिनवाणी तो हाथ में होना चाहिए, इसका अध्ययन मनन चिंतन तो होना चाहिए, बस तूने पढ़ा नहीं परीक्षा की नहीं इसलिए तुम्हारा कान जिसने पकड़ा बस उसी के रास्ते चल दिए। इसी व्यवहाराभासी प्रकरण में परीक्षा रहित अज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी की बात टोटरमल जी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोधेश्वरूपी अवि